ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन अहमदाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हर सुबह में हजारों सैकड़ों लीटर पीने का शुद्ध पानी पाइप के रिझाव के कारण बह जाता है, मीटर में चला जाता है, लेकिन तंत्र की स्थिति पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस समय अहमदाबाद के मोकरा विस्तार में है, जहाँ पे बाजू में ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक भी है और उसके बाजू में ही पानी की पाइपलाइन में बार बार रिसाव होता रहता है, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद भी, कॉर्पोरेशन फरियाद करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज ठोकरा विस्तार के कुछ अग्रणी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो बार बार फरियाद आती है, बार बार कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे पाइपलाइन में भंगार पड़ गया, यहाँ पे पाइपलाइन में रिसाव है, लेकिन कॉर्पोरेशन क्यों नहीं ध्यान देता है, इसके ऊपर क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नई लाइन डाली इन्होंने और बारम्बार ये खड्डे करते हैं और कैसा खड्डे में जा रहा है। जब ये लाइन लीकेज होती है तो कॉर्पोरेशन को उसको अधिकारी को साथ में खड़ा होकर उसको रिपेयरिंग करने की, चौथी पांचवी बार एक ही जगह पे दूसरी बार तीसरी बार खड्डा पड़ा है और सुबह में तो यहाँ पानी पूरा का पूरा भरा जाता है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं, कॉर्पोरेशन पूरी खड्डे में चली गई है। मेरी रिक्वेस्ट है सत्ताधारियों को कि भाई आप तुरंत ये कार्रवाई कीजिए और ये पानी लीकेज बंद करिए, लोगों को गर्मी आ रही है, पीने का पानी भी पूरा नहीं मिल रहा है, जब प्रेशर से पानी आता है तो सारी ये पाइपलाइनें लीकेज हो जाती है, या तो ये माल हल्का डाला हुआ है या पाइपलाइन हल्की डाली हुई है, इसका विजिलेंस तपास होनी चाहिए। कॉर्पोरेशन के अधिकारी फूटे हुए हैं, पूरा कॉर्पोरेशन खड्डे में गया हुआ है, अधिकारी आते प्रोग्राम लेके चले जाते, कॉन्ट्रैक्ट वाले उसको बार बार रिपेयरिंग करके चले जाते, लेकिन 15-20 दिन के बाद वापस हुई की हुई पोजिशन खड़ी हो जाती है। ये जो लीकेज हुआ ये 5वीं 6वीं बार लीकेज हुआ है, पूरा रोड खोदो वो आप टीवी में देख सकते हो, पूरा रोड बार बार खोदा जाता है, अभी भी खड्डे भरे हुए नहीं है। मेरे कॉर्पोरेशन से विनती है कि इसकी विजिलेंस तपास की जाए, को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था कॉन्ट्रैक्टर को बुला के तपास करानी चाहिए कि भाई ये आपने रिपेयरिंग किया था, लीकेज क्यों हुआ, लीकेज हुआ तो उसका भी कोई कारण होगा, या तो हल्की गुणवत्ता वाला इन्होंने माल डाला होगा या फिर पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ होगी, ये इसको तपास करनी चाहिए। पोखरा में परिस्थिति है, जहाँ देखो वहाँ सुबह सुबह पानी लीकेज हो जाता है, लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारी है जो टूटे हुए वो ध्यान नहीं दे रहे। ठंडी की सीजन है, इतनी पानी की वो नहीं है, लेकिन गर्मी आएगी जब पता चलेगा, धीरे धीरे पानी आना कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जब ये परिस्थिति हमको पता चलेगी कि भी पानी लीकेज क्यों होता है। यहाँ पे एक तरह के खड्डे भी होते भी है, पानी के भी लीकेज होते, जब खड्डे भी होते तब इनका कोई मालूम नहीं है कि क्या करते, कामकाज भी क्या करते, बराबर कामकाज करते तो सही करके बाद में वापिस सुबह का वही काम होता है, और पानी की लीकेज भी तो वही उसी टाइम पे हो जाती है, वो भी हमको मालूम है। इस तरह से होती है, कभी ध्यान नहीं होता इनका काम, कॉर्पोरेशन के पास जाए जाओ भाई खड़े खड़े, ऐसे में अगर हजारों सैकड़ों लीटर पानी अगर बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो एक सोचने और समझने वाली विषय है। कैमरा मैन हर्ष पटेल के साथ है, मैं प्रदीप अहमदाबाद।